नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बड़ी खबर, हमारे संवाददाता संतोष योगी की खबर। अग्रवाल युवक युवती परिचय सम्मेलन संपन्न हुआ। अग्रसोच सोशल युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन स्वागत पैलेस लालघाटी भोपाल में सम्पन्न हुआ। वर्तमान समय में वरवधु के चयन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए अग्रसोच सोशल फाउंडेशन ने एक अभिनव पहल की। अग्रसोच सोशल फाउंडेशन के अध्यक्ष आशीष गुप्ता अग्रवाल, मीडिया प्रभारी विनीत अग्रवाल एवं नितिन गुप्ता अंजू अग्रवाल ने बताया कि सम्मेलन में विभिन्न प्रदेश के युवक युवती शामिल हुए। परिचय पुस्तिका में विवाह योग्य युवक युवतियों के लगभग 400 के करीब बायोडाटा का प्रकाशन किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश के अलावा अनेक राज्य के भी विवाह योग्य युवक युवती शामिल हुए। इसके साथ ही संस्था द्वारा अग्रवाल समाज में किए गए सराहनीय कार्य एवं समाज के लिए समर्पित समाज को एकत्रित और संगठित करने के विशेष योगदान के लिए डीपी गोयल कक्का जी अध्यक्ष मध्य प्रदेश अग्रवाल महासभा के साथ ही अनेक विभूतियों का सम्मान भी किया। आप सब लोगों के सहयोग से जो काम किया है उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि अकेले कुछ भी करना संभव नहीं है। आयोजन किया है, बहुत बड़ी बात है। मध्य प्रदेश में भोपाल जो विकलांगों के लिए आपने जो बहुत बड़ा कदम उठाया है, इस टाइप के परिदृश्य में आमतौर पर होते नहीं है। आपके कदम क्या सोच थी आपकी लोगों का? देखिए, उसमें सोच ये है कि समाज में कोई भी समाज का व्यक्ति है, उसको चाहे वो विकलांग हो, चाहे वो उसमें उसकी गलती तो है नहीं, जो कुछ है सब भगवान के ऊपर निर्भर है, लेकिन उसको भी समाज में समानता का पूरा अधिकार है। और उनके लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए कि उन लोगों को भी अपना मनपसंद वर वधु मिल सके। इसलिए हमने प्रयास करा कि विकलांग विधवा को भी यहाँ पे मंच पर आमंत्रित करें, उनके लिए भी एक शस्त्र हम यहाँ पे वो करें कि ताकि वो लोग आए और अपना यहाँ पर परिचय दे सकें। लगभग कितने रजिस्ट्रेशन हो गए यहाँ पर भी? लगभग सभी रजिस्ट्रेशन मिला के हमारे 500-700 रजिस्ट्रेशन हमें प्राप्त हो चुके हैं और लगातार हमें सफलता मिल रही है। सब लोग हमारे प्रयास को सराह रहे हैं और उसी का परिणाम है कि लगातार लोग आ रहे हैं और रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। कितने प्रदेश सम्मेलन कर चुके हैं आप? ये पहला प्रयास है हम लोगों का। हम देख रहे हैं कि समाज में वर वधु के चयन के लिए लड़का लड़कियों की उम्र बढ़ती जा रही है, परिवार जन बड़े चिंतित रहते हैं कि बच्चा बच्चे की शादी के लिए, लेकिन उन्हें कोई ऐसा माध्यम नहीं मिल पाता है कि जिस माध्यम से हम अपने घर वर वधु का चयन कर सकें, क्योंकि परिवारों में रिश्ते कमजोर होते जा रहे हैं। परिवार में कभी काका ताऊ भुआ फूफाजी लोग हुआ करते थे, लोग परिवार में संबंध कराते थे, प्रयास करते थे, लेकिन आज समाज में बड़ी विडम्बना होती जा रही है, क्योंकि कई परिवार संबंध होते हैं छूट जाते हैं या कुछ भी होता है तो कोई उसमें बीच में आना नहीं चाहता है। तो हमारा एक प्रयास हमने करा है, अब भगवान और आप सब लोगों की सफल मेहनत से यह कार्यक्रम सफल हो, सभी लोग यहाँ जो मन में विचार लेके आए उनको अपना वर वधु का चयन कर सके और उन्हें अपना भावी जीवन साथी मिल सके। कहीं कहीं लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे आशीष भैया ने बोला वो भी काफी कुछ अपने संस्कारों के मंच से या संस्कृति से इस चीज को दूर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसके लिए हर व्यक्ति, मुझे लगता है ऐसा कि महिला है ही महिला की दुश्मन होती है जब भी इस तरह की परिस्थिति आती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार, ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।